आज बस सजाई गई है। ये हमारे रमजान भाई की वालिदा माजिदा के इसाले सवाब के लिए है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक की उनकी वालिदा की कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाएं। अल्लाह ताला उनके दराजात को बुलंदी अता फरमाए। माँ बाप अल्लाह पाक की एक अदीम नेमत है। जितना मुखलिस रिश्ता ये है माँ बाप का, दुनिया के अंदर कोई इतना मुखलिस रिश्ता नहीं है। जिनके माँ बाप जिंदा हैं उन्हें अपने वालिदैन की कदर करनी चाहिए। जब माँ बाप जिंदा होते हैं उस वक्त इंसान कदर नहीं करता। जब ये दौलत छिन जाती है, इस नेमत से महरूम हो जाते हैं, फिर सिवाय पछतावे की कुछ भी आप नहीं आता। आज वक्त है हमें अपने माँ बाप की कदर करनी चाहिए, इनकी फरमाबरदारी करनी चाहिए, इनकी दिल आजारी नहीं करनी चाहिए। याद रखिए, माँ बाप नाराज़ हो गए तो रब नाराज़ होगा। हदीस के अंदर भी आता है, हुजूर ने फरमाया तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारे लिए जन्नत और तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारे लिए जन्नत। अर्ज किया कि आका वो कैसे इरशाद फरमा कि अगर तुम इनकी इताअत और फरमाबरदारी करोगे, माँ बाप खुश होंगे तो अल्लाह खुश हो जाएगा, अल्लाह नाराज़ हो जाएगा। माँ बाप नाराज हो गए तो अल्लाह नाराज़ हो जाएगा। चाहे बंदा हाजी हो, नमाजी हो, तहज्जुद गुजार हो, अगर माँ बाप नाराज हैं उस वक्त तक रब राजी नहीं होंगे जब तक माँ बाप राजी हो। अपने माँ बाप की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, हमें उनकी खिदमत का जज्बा अता फरमाए। मिलकर मोहब्बत के साथ बाबा बुलंद अती दुरूद व सलाम हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कीजिए। कोई लफ्ज़ खामोश न रहे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Yeah.
जो आपकी बजम में आप हमें
इंशाल्लाह मिलाद शरीफ का चांद निकाल सरकार लिया मरहबा दिलदार लिया मरहबा।